हेलो बच्चों, अब हम आज टर्म वन के लिए जो कि हाफ ईयरली, उसके लिए आपका तो यूनिट टू तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो अब हम आज टर्म वन के लिए पढ़ेंगे जो पाठ चार हिंदी कादंबरी से पाठ चार डाकू की सफाई है कहानी, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। तो शब्दार्थ हो गए आपके, पहला शब्दार्थ है जांच करना, ध्यान से देखना। दूसरा है पौष्टिक, पोषण देने वाला, उसके अर्थ हो गया। अब तीसरा है पश्चात यानी बाद में। चौथा है प्रातःकाल यानी सुबह। पांचवा लाभदायक, लाभ पहुंचाने वाला। और छठा है प्रतिदिन यानी रोज, डेली, प्रत्येक दिन। तो ये हो गया आपके शब्दार्थ जो पाठशास्त्र है दांतों की सफाई। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। दांतों की सफाई। अमर के दांत में बहुत दर्द हो रहा है। अमर नाम का एक लड़का है जिसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। दांत में दर्द के कारण आज वह विद्यालय भी नहीं जा सका। के दांत में इतनी तेज दर्द है कि वो आज विद्यालय यानी स्कूल नहीं जा सका। अमर के पिताजी उसे दांतों के चिकित्सक के पास ले गए। अमर के पापा यानी पिताजी उसे कहां ले गए? दांतों के चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास। तो अमर के पिताजी उसे दांतों के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसके दांतों की जांच की। डॉक्टर जो है उसके दांतों की जांच की, उसे देखा। डॉक्टर, अब डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हैं। डॉक्टर बोले तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हैं। अमर, क्या तुम रोज दांतों की सफाई नहीं करते हो? अमर से बोलते हैं डॉक्टर, ये क्या तुम अपने दांतों की सफाई रोज नहीं, प्रत्येक दिन नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं। अमर कहता है करता तो हूं। अमर क्या कहता है? करता तो हूं। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, एक दांत में कीड़े भी लग चुके हैं। तुम्हारे दांत इतने गंदे हैं कि एक दांत में कीड़े भी लग चुके हैं। किसने कहा? डॉक्टर ने। अभी मैं तुम्हारे दांतों में दवा लगा देता हूं जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूं कि तुम्हारे दांतों में दवा लगा देता हूं जिससे तुम्हारे दांतों के दर्द कम हो जाएंगे। परंतु ध्यान रहे, लेकिन ध्यान रहे, आज से हमेशा दिन में दो बार दांत अवश्य साफ करना। आज से प्रत्येक दिन तुम अपने दांतों को दो बार, दिन में दो बार अवश्य साफ करना। अमर बोलता है दो बार डॉक्टर अंकल? आश्चर्य से क्या बोलता है अमर कि दो बार डॉक्टर अंकल? डॉक्टर कहते हैं हाँ दो बार, एक बार प्रातःकाल सोकर उठने के बाद तथा दूसरी बार रात को सोने से पहले। वो क्या बोलते हैं डॉक्टर? एक बार तो सुबह जब तुम सो के उठते हो उस समय दांत को साफ करना, और दूसरी बार जब रात को जब तुम खाना खा के सोने जाते हो तब ब्रश दांतों को अच्छी तरह से साफ करना है। अमर बोलता है जी ठीक है, कुछ और डॉक्टर अंकल? डॉक्टर अंकल से अमर पूछता है जी ठीक है, कुछ और भी करना है डॉक्टर अंकल? तो डॉक्टर क्या कहते हैं? हाँ बहुत। और डॉक्टर बोलते हैं हाँ, सुबह और रात को एक एक गिलास दूध अवश्य पीना, दूध पीने से दांत मजबूत बनते हैं। डॉक्टर बोलते हैं हाँ, सुबह और रात को एक एक गिलास दूध जरूर पीना, दूध पीने से दांत मजबूत होता है। अमर बोलता है जी डॉक्टर अंकल, अब मैं दिन में दो बार मंजन भी करूंगा और दो गिलास दूध भी पीऊंगा। अमर डॉक्टर से क्या कहता है कि हाँ डॉक्टर अंकल, मैं दिन में दो बार ब्रश भी करूंगा यानी मंजन भी करूंगा और प्रत्येक दिन दो ग्लास दूध भी पीऊंगा, फिर तो दांतों में दर्द नहीं होगा। जब इतना करूंगा तो दांत में तो दर्द नहीं होगा अंकल? डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। अमर बोलता है डॉक्टर अंकल, हमें अपने दांतों को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अब अमर डॉक्टर से पूछ बैठता है कि हमें अपने दांतों को मजबूत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं हरी सब्जियां,
पौष्टिक फल इत्यादि दांतों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। डॉक्टर अंगुल बताते हैं कि दांतों को मजबूत करने के लिए हरी सब्जियां और पौष्टिक फल जो है दांतों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसे जरूर खाना चाहिए, इन्हें अवश्य रखना चाहिए। दांत साफ करते समय ब्रश को ऊपर नीचे बार बार चलाना चाहिए। अब हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते नहीं। दांतों को कैसे साफ करना चाहिए, ऐसे ऐसे घुमा के गोल गोल, चाहे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। तो दांतों को ब्रश करते समय हमें ऊपर नीचे बार बार चलाना चाहिए। भोजन के पश्चात साफ पानी में कुल्ला करने से दांतों में फंसे भोजन के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो अच्छे पानी से, साफ पानी से हमें क्या करना चाहिए, भोजन करने के बाद कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला करने से क्या होता है कि दांत में जो छोटे छोटे दांत के जो गैप में जो है उसमें अन्न जो फंस जाते हैं वो क्या होते हैं, कुल्ला करने से बाहर निकल आते हैं। अब बोलता है अमर, बोलता है बहुत अच्छा डॉक्टर अंकल, अब मेरे दांतों में दर्द भी नहीं हो रहा है। अमर कहता है बहुत अच्छा डॉक्टर अंकल, अब मेरे दांतों में दर्द भी नहीं हो रहा है। दवाई डालने के बाद धीरे धीरे दवाई अपना काम कर गया है। अब डॉक्टर अंकल से अमर बोलता है कि अब मेरे दांतों में दर्द भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ डॉक्टर से डॉक्टर बोलते हैं अमर तुम्हें दांतों की नहीं बल्कि पूरे शरीर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अमर तुम्हें एक दांत की ही नहीं बल्कि अपने पूरे शरीर के सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। कि प्रतिदिन नहाना चाहिए, धुले हुए साफ कपड़े पहनने चाहिए, बालों में कंघी करनी चाहिए, नाखूनों को काट कर छोटे रखना चाहिए और खाने से पहले और बाद में हाथों को जरूर धोना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि दांत की सफाई की तरह ही शरीर की सफाई भी बहुत जरूरी होती है। प्रतिदिन नहाना चाहिए, धुले हुए साफ कपड़े पहनने चाहिए, बालों में कंघी होनी चाहिए, नाखूनों को काट कर छोटे रखना चाहिए। क्योंकि नाखून जब बड़े होंगे तो हमारे नाखून में गंदे आते हैं और वही गंदगी हमारे खाने के भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। वो हमें तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं, हमारे हमको तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए नाखूनों को साफ काट कर साफ रखना चाहिए और खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से जरूर धोना चाहिए, खाने से पहले और बाद में भी। अमर बोलता है ठीक है डॉक्टर अंकल, मैं इन बातों को अवश्य ध्यान रखूंगा। अमर बोलता है ठीक है डॉक्टर अंकल, मैं इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखूंगा। अच्छा नमस्ते अंकल। डॉक्टर बोलते हैं नमस्ते, दोनों एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। अब आपका कहानी यही तक, लेकिन आप इसको ध्यान से फिर एक बार पढ़ेंगे और दांतों की सफाई के बारे में, अपने शरीर की सफाई के बारे में जरूर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे इसको कि कैसे अपने शरीर की सफाई और अपने दांतों की सफाई करने से हमें कोई भी बीमारी या रोग नहीं होते हैं। इसको ध्यान से जरूर पढ़ेंगे एक बार। धन्यवाद।